मुसीबत के टाइम में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और मुझे पता है बिना चाय के सुबह बिना सिग्नल के मोबाइल जैसी होती है। अभी फटाफट घर जाइए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, काटा चढ़ जाएगा। लीजिए दूध। लेकिन जेठा जी, ये दूध मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? डॉगी के लिए। कौन डॉगी? ये आजा बच्चा। फिर आ गया? ये तो एक नंबर का खाउतरा लगता है। कल आधी रात को भी आया था, दयानंद इसको थेपला खिलाया था, अभी सुबह दूध पीने आ गया। आ गया रे इसको। अब बताइए क्या हुआ? अरे दया, बाल बाल बच गया। वो कल रात वाला कुत्ता अभी भी सोसाइटी में है। अरे वाह! अरे वाह, यहाँ आ निकल गई बोल रही। अरे वाह! अरे वो बबीता जी को वो कुत्ते को दूध पिलाना था, इसलिए तेरे से नहीं वो दूध की थैली लेकर गया। तो दूध की थैली में बबीता जी के हाथ में देने ही जा रहा था कि कुत्ता आ गया सामने। बाबा जी, वैसे टप्पू के पापा, आप तो कुत्ते से ऐसे डर रहे जैसे रामगढ़ वाले गब्बर सिंह से। सॉरी, वो कल वो फिल्म देखी थी ना, तो डिलक जुबा पर आ गया। वैसे आपको कुत्ते ने काटा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन वो फूल मुड़ में था काटने के। लेकिन अब तक गौशाला में जो दान पुण्य किए वो सब आड़े आ गए तो बच गया। जय गाय माता। जय जय हो गाय माता, जय हो। टप्पू के पापा, डरिए मत, मैं कुत्ते के बारे में एक जानकारी देती हूँ। जब वो भूखा होता है ना तो ही काटता है। अरे वो भूखा ही था और ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी उसको रात को खाना खिलाने की? रात को तूने उसे खाना दिया तो अभी सुबह भी आ गया नाश्ता करने। टप्पू के पापा, भूखे को खाना खिलाना हमारा फर्ज है। और दूसरी बात सोचिए, अगले जन्म में हम कुत्ते बने और वो इंसान बने तो इस जन्म में हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे ना, तो अगले जन्म में वो भी हमें खाना नहीं खिलाएगा। अरे यहाँ अगले पल का पता नहीं है, तू अगले जन्म की व्यवस्था में कहाँ पड़ी है? इस जन्म में मैं इंसान बना हूँ और वो कुत्ता कुत्ता बना है, और वो कुत्ता मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो इस जन्म की चिंता कर, अगला जन्म की बात कर रही है। टप्पू के पापा, आप डरिए मत, एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। कहाँ जा रही है? बिस्कुट लाने। देखिए, मैं आपको एक बिस्कुट का पैकेट दूंगी, वो आप अपने पॉकेट में रखना। जब भी कुत्ता आपके पास आए उसको बिस्कुट खिला देना, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूंछ हिलाएगा। बोलो, अब कुत्ते के डर से जेब में बिस्किट का पैकेट रख के घूमने के दिन आ गए। वैसे आइडिया अच्छा है। तो चलिए, आप हाथ धोकर नाश्ता करने बैठिए, मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। नाश्ता में बिस्किट है? अरे बाबा, मैंने बताया ना, बिस्कुट तो कुत्तों के लिए, आपके लिए तो खाखरा है। अब तक इंसान भेज रहे थे नड़ने के लिए, वो कम थे कि अभी कुत्ते भी भेजने लगे? दया, चलो मैं जा रहा हूँ। ये लीजिए बिस्कुट का पैकेट। आला भाईला, वैसे भी आजकल मेरी जिंदगी में कुत्ता दोस्त कल चल रहा है। टप्पू के पापा, संभाल के जाना। हाँ, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो कुत्ता कहीं कंपाउंड में हुआ और मुझे वहीं धर लिया तो?
दया टपके पापा यहाँ हूँ। अरे भाई खड़ी रहने एक जगह तो। सॉरी बापूजी की छड़ी कहाँ है? सॉरी क्यों सॉरी क्यों? कुछ नहीं आपने छड़ी क्यों मांगी? वो बहुत पुरानी सी हो गई है ना उसकी पॉलिश उड़ गई है तो नहीं पॉलिश करवा के जरा चमका के लेके आता हूँ। कुत्ते से डर लग रहा है इसलिए छड़ी मांगी ना? ए क्या बकवास कर रही है? कुत्ते से डर नहीं लगता मैम साहब, उसके बटके से डर लगता है। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दुकान जाने के लिए घर से निकल तो गया हूँ लेकिन वो कुत्ता कंपाउंड में हुआ तो मुझे काट लिया तो ऐसा। दया ने बिस्किट तो दिया है लेकिन कुत्ते का क्या भरोसा, बिस्किट खाने के बाद भी मुझे काट ले तो। एक काम करता हूँ आज दुकान जाने का रहने ही देता हूँ। अरे क्या रहने देता हूँ, वो पाटिल साहब पूना से आ रहे खास डील पक्की करने के लिए, मैं दुकान नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा दुकान, भगवान बचा लेना। मैं रिक्शा तक पहुंचूं तब तक कुत्ते को जरा गायब कर देना प्लीज। अब्दुल, अरे अब्दुल मेरा यार मेरा दोस्त मेरा भाई कैसा है? बस क्या, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे? चोड़ी भाई के घर पे ब्रेड देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे अब्दुल तेरा थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे। हाँ बोलिए। दो मिनट लूंगा। मैं ये कह रहा था, एक मिनट, ये तेरे हाथ में ब्रेड है बराबर? अच्छा तो ये ब्रेड तेरे हाथ में क्यों है? ब्रेड से नहीं पकड़ सकता इसके लिए हाथ में। मजाक नहीं, दरवाजा खतरनाक टाइम चल रहा है, मजाक कर रहे तो? मुझे भी मालूम है भाई कि ब्रेड वो पैर में नहीं पकड़ सकते इसलिए हाथ में पकड़ना पड़ता है, लेकिन तू मुझे ये बता तू ब्रेड बेचता क्यों है? जीजा भाई ये मेरा धंधा है इसलिए। मुझे भी मालूम है भाई, जैसे मैं टीवी बेचता हूँ वैसे तू ब्रेड बेचता है, लेकिन तू ब्रेड बेचता क्यों है? ठीक है कल से नहीं बेचूंगा, फ्री में बांटूंगा बस। अरे भाई क्यों फ्री में क्यों बांटेगा? नहीं नहीं फ्री में नहीं बांटने का भाई, बेचना ही चाहिए। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू ब्रेड बेचता क्यों है? आप ही बताइए। अरे पैसे कमाने के लिए। अच्छा मैं और तू धंधा करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए। हाँ तो तू भी ब्रेड बेचता है पैसा कमाने के लिए ना? करेक्ट करेक्ट। तो पैसा नहीं चाहिए तुझे? जेठा भाई मैंने आपको ब्रेड कब दिया? अरे भाई रेड नहीं सोडा, सोडा तो दिया ना। सोडा? हाँ। भाई रात को आप आएंगे ना सोडा पीने के लिए है ना, तभी दे देना, इतनी जल्दी क्या है चलो। अरे भाई कहाँ जा रहे तू? अरे रुक भाई अभी रिक्शा तक जाना है। देख आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते हैं। बोल 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 मेरा हिसाब कितना हुआ सोडा का? सोडा का हिसाब, सोडा का हिसाब एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे तू? अरे वो हिसाब की डायरी दुकान में है ना, लेकर आता हूँ। अरे भाई डायरी वायरी सब जेब में रखने का भाई, तू यार उघराने में बहुत दबड़े से, ऐसा मुंह जबानी होना चाहिए अपना पूरा हिसाब। कोई भी ऐसे पूछे ना मेरा हिसाब कितना हुआ तुरंत फटाक से बोल देने का। हाँ ठीक है तो बोल बोल कितना हुआ मेरा हिसाब? रिक्शा चल रात को देता हूँ पैसा। रिक्शा रुक रुक। छोटे भाई कमाल के। साढ़े आठ में दस कम, वाह वक्त पे पहुंच गया दुकान। अरे यहाँ भी कुत्ता, ये कुत्ता मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ए बंकर बंकर ये भागा। अरे भागा बंकर इसको। सेठी एक दो मिनट, कुत्ते के करतब तो देखो, कितने प्यारे और भोले कुत्ते हैं, कितना प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। चुप रहे, कुत्ते प्यारे जरूर होते वो भी कुछ कुछ कुत्ते, लेकिन भोले तो बिल्कुल नहीं होते, मौका मिलता ही काट लेते। वो तो सेठ जी अगर इंसान नाम का प्राणी उसके साथ मस्ती करे तो। ए भाई अभी बंद करना टीवी वरना मैं तुझे काटूंगा। ओके सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी।
आप आ गए। सरस नट्टू काका, सेठ जी आ तो गए लेकिन आज थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है, कहां से उखड़ा हूं मैं? यहां से। Why? What happened, सेठ जी? मैं बताता हूँ, टीवी पे कुत्ते का शो चल रहा था, सेठ जी ने आते ही बंद करवा दिया। क्यों सेठ जी, आपको कुत्ते पसंद नहीं है? नहीं। क्यों? बस ऐसे। नहीं नहीं सेठ जी, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको कुत्ते पसंद नहीं? हाँ बताइए ना। अरे कल रात को एक कुत्ता सोसाइटी में आ गया और वैसे लेट यू टेल मी सेठ जी, जैसे कुछ इंसानों के स्वभाव अलवित्र होते हैं वैसे ही कुत्तों में भी होता है, कुछ कुत्ते अलवित्र होते हैं। आपका बैड लक कि आपको ऐसा अलवित्रा कुत्ता मिला। नटू काका, आज हम और सेठ जी बैड लक के मामले में सेम पिंच है। क्या है? सेठ जी आज आपकी तरह हमारा दिन भी खराब है, हम अपने फुटबॉल मैच 9 गोल से हार गए। 9 गोल से? मतलब 9? तो कुल मिलाकर मैच में कितने गोल हुए? हमारे 84 और सामने वाली टीम के 93 गोल्स। 84 और 93 मतलब कुल मिलाकर 177 गोल हुए। अरे क्या हूँ, जहाँ तक मुझे पता है फुटबॉल की मैच 90 मिनट की होती है, तो 90 मिनट की मैच में 177 गोल मारे। अरे कैसे मुमकिन है? क्या कर रहे? मैं समझाता हूँ सेठ जी, हम लोग नॉर्मल फुटबॉल मैच नहीं खेलते, तो हाथ से फुटबॉल खेलते। क्या सेठ जी, आप भी हाथ से कोई फुटबॉल कैसे खेल सकता है? अरे हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ, 90 मिनट में 177 गोल कैसे हो सकते हैं? पेनल्टी शूटआउट से। हमारी फुटबॉल मैच में सिर्फ पेनल्टी शूटआउट ही होता है। नट्टू काका, आज मैंने मेरे लक्की शूज नहीं पहने थे ना, इसलिए हम लोग मैच हार गए। अगली बार मैं मेरे लक्की शूज जरूर पहनूंगा और हम उन्हें 18 गोल से हराएंगे। That is the spirit. बस अभी फुटबॉल की बातें बंद करो और मुझे यह बताओ, कुछ चाय नाश्ता का बंदोबस्त किया है? सेठ जी आपने बताया ही नहीं कि आपको नाश्ता करना है। बोलिए बोलिए, आपके लिए नाश्ते में क्या मंगवाऊं? अरे भाई मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पाटिल साहब आ रहे हैं ना पुणे से, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ नाश्ता वास्ता मंगवाया है कि नहीं? अरे सेठ जी वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई। नट्टू काका ये बात आप मुझे अभी बता रहे? मगर सेठ जी मुझे अभी अभी गोडाउन में पाटिल साहब का फोन आया कि वो मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे उनका पहले बताना चाहिए ना, सिर्फ उनको मिलने के लिए मैं भागा भागा सुबह इतना जल्दी उठकर दुकान आ गया। अरे सेठ जी पाटिल साहब भी जल्दी उठकर मुंबई मीटिंग के लिए आ ही रहे थे, पर जैसे ही घर से बाहर निकले उन्हें गली के कुत्ते ने काट लिया। ओहो नट्टू काका, आज हम तीनों के ग्रह कितने मिलते जुलते हैं नहीं? कौन तीन? सेठ जी आप, मैं और पाटिल साहब। तो हम 4 हुए ना बागा। नट्टू काका हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। ओह माय बाग, आई लव यू बिट्टू, आई लव यू। से भरत मिलाप। तो मैं ये कह रहा था नट्टू काका, हम तीनों के ग्रह मिलते जुलते हैं। कैसे? आज हम तीनों का बैड लक हुआ ना। आज बैड लक डे है। ये कुत्ते का प्रभाव तो मेरी कुंडली में बढ़ता ही जा रहा है, कल से कुत्ता कुत्ता हो रहा है, आज कुत्ते की वजह से मीटिंग भी कैंसिल हो गई। भगवान आगे कुत्ते की वजह से और भी हंगामे होने वाले हैं। हेलो, भगवान जवाब नहीं दे रहे, मतलब
नक्की आगे और हंगामे होने वाले होंगे। सुनीता, मुझे सारे सब्जी दो दो किलो दे। अच्छा, ऐसे लगता है लंच में मिक्स वेजिटेबल है। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो पनीर हंडा बना रही हूँ। तो फिर इतने सारे वेजिटेबल क्या है ना, हंस कौन सी डिश की फिश कब करे पता नहीं, तो सारा स्टॉक रखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग माधवी, मैं दामले जी के यहाँ पे अचार पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ। बाय बाय। अरे हाँ माधवी, वो कुलकर्णी साहब का फोन है तो बोलना कि शाम को आकर चेक दे जाए। हाँ, बाय बाय। अरे हो माधवी, रोहन की मम्मी फीस देने आएगी तो याद से रख लेना। हाँ चलो, बाय बाय बाय। अरे हो, और वो ड्रावर में समझ गई मैं। और हाँ, आप वहाँ पहुँचने के बाद चिट्ठी लिखना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना प्लीज। माधवी, मैं महीने भर के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, जाइए ना अभी। अरे हाँ, आता काय, फाइनल बाय। अरे पति हो तो ऐसा। अच्छा सुनीता, मैं इतनी सारी सब्जी ले रही तो अच्छा डिस्काउंट देना। अरे मैडम, पहले ही डिस्काउंट दे रही हूँ, और रिजनेबल करूंगी ना तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? अरे बबीता जी, अब किसे ढूंढ रहे हैं? वो कल रात को जो कुत्ता आया था वो नहीं दिख रहा है। दरअसल वो है ना, आधी रात को भूख के मारे भौंक रहा था तो मैंने उसको थेपला खिलाए थे। अच्छा, इनफैक्ट आज सुबह भी वो वहाँ पे बैठा हुआ था, हमने तो उसे दूध ला कर भी पिलाया। वो लोग कहाँ एक जगह बैठते हैं, घूमने गया होगा कहीं, भूख लगेगी ना तो वापस आ जाएगा। हाँ, पता नहीं कहाँ होगा। ये तो वही कुत्ता है। अरे भाग के कहाँ जाएगा? अरे कुत्ती पकड़ने की गाड़ी। अरे लगता है ये लोग इसे पकड़ने आए हैं। अरे हेलो भैया, क्या कर रहे हो? देखो, हम म्युनिसिपैलिटी से कुत्ता पकड़ने के लिए। ए घोटिया, तू जिगड़े पर चल। गोटिया बैठना गए नहीं। ओहो, ये तो पकड़ा गया। अरे भाई भाई, रुक 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 जाइए। अरे ऐसा मत कीजिए भाई साहब। दोस्तों, ये दृश्य देखा आपने, किस तरह इस डॉगी ने अपने आप को बचाने के लिए दया भाभी का पल्लू पकड़ लिया। भाई, एक जमाने की बात है जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हो जाता था और एक राजा दूसरे राजा को शरणागत हो जाता था तो दूसरा राजा उसका राज्य पुनः वापस दे देता था। भाई, इंसानियत भी यही कहती है, अगर आपसे कोई आसरा मांगे तो उसे अपनी पनाह में ले लेना चाहिए। और हमारी दया भाभी वो तो वैसे ही दयालु है,
वो तो इतनी दयालु है कि जिसे न भी जानती हो उसे घर पे आके खाना खाने का निमंत्रण दे देती है। तो फिर इस कुत्ते को यानी कि इस डॉगी को वो बचाएंगी या नहीं बचाएंगी? जेठालाल तो भाई कुत्ते से डरते हैं, लेकिन बबीता जी को ये कुत्ता प्यारा है। अब देखना ये होगा कि तमाम गोकुलधाम की महिलाएं इस डॉगी को गोकुलधाम में रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, या रखेंगी तो क्या मुसीबतें होंगी। भाई ये बात अभी क्यों की जाए, लेकिन इतनी बात तय है कि ये डॉगी जब यहाँ आया है तो हंगामे जरूर लेके आया होगा और ठहाक के वो तो निश्चित रूप से आपके घरों में गूंजेंगे। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, इस डॉगी की कहानी में सब मजा उठाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।